तो कहते अभी पहले पार्थ को बिठाया, आज पहली बार पार्थ झूले में बैठा है। और पार्थ मजा आ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं और हम लोग सब उठ गए। तो कृष्णा पापा मम्मी तो नहा भी लिया है, तो बस अब मेरे को नहाना बाकी है। और बाकी पार्थ भी नहाया, भी पार्थ जो उठ गया सुबह सुबह बस खेल रहा अपना। फिर उसके बाद हमें जाना आज प्रसाद चढ़ाने, इसीलिए हम उठे तेली, हमको दिमाग खराब नहीं है कि सुबह उठ के नहा लेंगे। तो अभी अपना हाथ धोके जल्दी से तैयार होके चलते हैं, लगभग 5 बजे तक घर से निकलना है। फिर उसके बाद प्रसाद चढ़ा के घर आ जाएंगे जल्दी। तो प्रसाद पहले जल्दी से तैयार हो जाता है और बाहर काफी अंधेरा हो रहा है, वैसे अभी दिखाता हूँ। तो आज देखो अभी पूरा अंधेरा हो रहा है बाहर, और कोई मतलब इंसान कोई भी नहीं होना है बाहर, कोई भी नहीं होना मतलब, और सिर्फ कुत्ते कुत्ते घूम रहे थोड़े बहुत। देखते हैं फसल के क्या क्या है। देखो कोई भी नहीं घूम रहा इस टाइम, थोड़े बहुत लोग घूम रहे हैं बिल्कुल, और जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं वही लोग घूम रहे हैं बस। बाहर तो कोई भी नहीं है, मतलब जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं मतलब बाहर घूमने के लिए, सिर्फ वो लोग हैं अभी बाहर और कोई भी नहीं घूम रहा। तो हम जल्दी चलते हैं, तैयार होते हैं। और मम्मी बिना के आ चुकी हैं, तैयार हो रही हैं बस। आज भी पार्क उठ चुका, देखो मम्मी का जो स्प्रे है उससे खेल रहा है। तो भाई पापा और मैं जा रहे हैं बाहर ढूंढने के लिए, वैसे थोड़ा बहुत चाना हो चुका है पर तब भी जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे कोई रिक्शा घूमता नहीं है। तो मेन रोड में जाकर चेक करेंगे कि रिक्शा मिलती है कि नहीं मिलती। तो अभी हम मेन रोड पर आ चुके हैं, तो सामने दिख रही है मेन रोड, तो यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पे रिक्शा आ रही है नहीं आ रही है। वैसे यहाँ पे रिक्शा भी देखी थी मैंने एक, यहाँ पे रोड भी मतलब काफ़ी चल रही है अभी, तो देखते हैं अभी रिक्शा कितनी देर मिलती है। यहाँ पे हम कोई रिक्शा नहीं मिली है, तो अभी हम घर आ चुके हैं वापस। तो फिर सब मतलब जब सब तैयार हो जाएंगे तो फिर से जाएंगे वहीं पर सब घूमने के लिए। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा पापा का कहना है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तो जल्दी इनको लेते हैं और चलते हैं। दोस्तों अब मैं भी पूरा तैयार हूँ, और मैंने अभी हाथ में ना ग्लव्स पहन रखा है, मेरे यहाँ पे कुछ चोट सी लग गई है, थोड़ा दर्द सा हो रहा था। वो जो मतलब गर्म पट्टी होती है ना वो तो मिल नहीं रही, तो फिर मैंने यही पहन लिया अभी फिलहाल के लिए, तो स्प्रे लगा के ये पहन लिया। तो अब चलते हैं जल्दी से, और बाहर वैसे कोई रिक्शा विक्शा तो दिख नहीं रही है, और लेकिन जाना रिक्शा से ही पड़ेगा, बाइक से जा नहीं सकते चारों जने, और मंदिर भी काफ़ी दूर है यहाँ से, तो फिर रिक्शा तो करनी पड़ेगी, पैदल भी नहीं जा सकते। तो फिलहाल देखते हैं, अभी अभी सुबह हो गया बिल्कुल, अभी अभी बिल्कुल दिन निकला हल्का हल्का, मतलब करेक्ट मतलब पूरी तरह से अभी धूप तक नहीं आई है, हल्का हल्का ही दिन हो रहा है। तो अभी देखते हैं रिक्शा कब तक मिलती है, आसपास तो बस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। और बाकी पापा बस अभी यहीं खड़े हैं, और मम्मी लॉक लगा रही है। पार्थ का अच्छा, हाँ पार्थ भी खड़ा हुआ है, उधर खड़ा हुआ छोटा सा। तो अभी यहाँ पे गेट पे लॉक लगाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। गाइस फिलहाल हम पहुंच गए मंदिर पे, तो पीछे है मंदिर उधर। तो अभी मतलब ये चैती में नहीं है ये मंदिर, खोखरा मंदिर कहते हैं इसे, पहले यहाँ पे चढ़ता प्रसाद फिर चैती में चढ़ेगा जाके। तो अभी चलते हैं फिलहाल हम सब और प्रसाद लेते हैं, फिर उसके बाद चढ़ाने चलते हैं। और भीड़ तो मतलब ठीक ठाक है आज, मतलब मैं परसों आया था तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो चलते हैं जल्दी से आगे। Ain't no one like me.
गया है और अब हमें जाना चैती पे, तो उससे पहले यहाँ पे बाहर जाके अभी जूते पहन लेते हैं और पूरा अच्छे से चढ़ गया मतलब, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो परेशान नहीं हुए, चलते हैं तो और शूज़ पहनते जाके। अभी रिक्शा में बैठ गए और चलते हैं शादी मेले की तरफ, अब वहाँ पे प्रसाद चढ़े सब बैठ गए तो चलते हैं। मेले में तो आ गए हैं और चलते हैं मंदिर पे, फिर प्रसाद चढ़ा के फिर चलेंगे कुछ घर पे मतलब, और मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं कुछ खाऊंगा तो नहीं यहाँ से बिल्कुल भी अभी, तो फिर आप कुछ नहीं खाऊंगा, और शाम को भी देखते हैं यार तबीयत सही रही तो आएंगे मेले में। चलो प्रसाद तो चढ़ गया है और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ क्योंकि पापा को भी कहीं जाना भी है, तो लगभग 7:30 बज गए हैं, चलते हैं जल्दी से पहले चप्पल वप्पल पहन लेते हैं चलते हैं। तो गाइस फिलहाल घर पे तो पहुंच गए और लगभग 8:15 बज गए हैं और अब पापा जाएंगे, मतलब पापा को कुछ काम है आज, तो मतलब सुबह से जल्दी गए थे हम ताकि फिर पापा आके फिर जा सके। तो अब मैं अब थोड़ा मतलब हाथ पैर धो लेते हैं, काफ़ी गंदे हो गए ना मतलब, वहाँ पे मंदिर में नंगे पैर चल रहे थे तो नीचे जो कूड़ा कबड़ा भी पड़ा था कुछ कुछ और मिट्टी विट्टी लग रही थी वो पूरी लग गई पैरों पे, तो वो सब धोते हैं पहले और फिर उसके बाद मैं अपनी दवाई ववाई खा लेता हूँ, मतलब पहले कुछ खा लेता हूँ घर पे आके नाश्ता वास्ता कर लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद दवाई खानी है, तो चलते हैं फिर अंदर और कुछ खाते हैं। तो गाइस अभी दोपहर के लगभग 12:30 बजने वाले हैं और मैं अभी जा रहा हूँ कृष्णा के साथ उसका कोर्स लेने के लिए, तो मतलब बुक्स लेने के लिए जा रहे हैं अभी और नोटबुक इसको शाम को दिलवा देंगे। तो अभी मतलब सामने की तरफ एक स्टेशनरी की दुकान है घर के सामने जस्ट, तो वहाँ पे कृष्णा का कोर्स मिला है अभी पता करके आया है, तो चलते हैं जल्दी से इसे कोर्स दिलवा के लाते हैं, तो मतलब इस नई क्लास में आ गया ना तो उसका कोर्स तो चाहिए ही, चलते हैं। फिर कल से कृष्णा को स्कूल भी जाना है तो कल कृष्णा स्कूल जाएगा, इसलिए चलते हैं इसके बुक्स वुक्स लेके आते हैं, नोटबुक शाम को दिलवा देंगे। तो कैसे अभी लगभग 3:15 बज गए हैं, तो आज ट्यूशन 3:30 बजे का है तो अब चलते हैं ट्यूशन और मतलब बस स्टेशन हो के आते हैं, पर ये तैयार नहीं हुआ अभी तक तो यार बड़ी तेज गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा, मतलब मेरे को पंखे में बैठो तब भी पसीना आ रहा है इतनी ज़्यादा तो गर्मी हो रही है, पंखा जबकि फुल चला रखा फिर भी गर्मी लग रही है। तो अभी खाना वाना मैंने सब खा लिया है और मम्मी अभी खाना खा रही हैं, तो हम लोग चलते हैं ट्यूशन, ट्यूशन से आके मम्मी जाएंगे अपने फिजियोथेरेपी पे, पता नहीं यार कब तक जाना पड़ेगा, जल्दी से ठीक हो जाए बस मम्मी तो ना जाना पड़े, तो फिलहाल तो बल चलते हैं ट्यूशन फिर उसके बाद देखते हैं कब जाएंगे हम। तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम आइसक्रीम खाते ना बैठे हुए, तो पार्स के लिए आए थे, पार्स ने पूरा मुंह गंदा कर लिया आइसक्रीम खाते खाते तरी क्या मजा आते थे ऐसे आइसक्रीम खाने में, क्या कर रहे हो पार्स, क्या है ये बुरी तरह से कर लिया, तो पहले इसका मुंह साफ कर देते हैं फिर उसके बाद शाम को आज चलेंगे चैती मेले। तो मम्मी हाँ तो मम्मी फिलहाल पहले फिजियोथेरेपी पे जा रही हैं फिर उसके बाद जब आएंगी तब चलेंगे। तो भाई फिलहाल लगभग 8:00 बज गए हैं पूरे और हम लोग अब मेले जा रहे हैं, तो तैयार हो गए और लाइट भाग गई यार, तो मेरे को ये लाइट लगा के वीडियो बनानी पड़ रही है,
तो उसके लिए थोड़ी माफी मांगता हूँ मैं। तो मैं अभी शाम को ना नहा लिया था दोबारा से, मतलब पसीना पसीना और था ना, बड़ी गर्मी लग रही थी, दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन जब से नहा के बाहर आया तो लाइट भाग गई तो और गर्मी लग रही है। तो अब चलते हैं जल्दी से, मेले लाइट भागी रहना, कोई बात नहीं, हमें बाहर जाना ही है जब, तो अब चलते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या पता मेले में भी लाइट भागी पड़ी हो। तो गाइस चलो मेले में तो पहुंच गया और पार्ट सो गया, आते आते सो गया। तो अब चलते हैं, अभी हम थोड़ा बाहर की तरफ है इसलिए अंधेरा हो रहा है, अब मेन मेले में चलते हैं, वहाँ पर काफ़ी रोशनी है। तो गाइस अभी फिलहाल हम तो खाली मेले में घूम रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक पूरा मेला देखा नहीं है, कैसा क्या सिस्टम है पूरा लगा हुआ। तो पहले फिलहाल पूरे मेले में घूमते हैं, फिर उसके बाद आज झूलों की तरफ चलेंगे। तो पार्थ तो उठने लग गया धीरे धीरे अभी। पार्थ सो गए थे तुम? पहले मेला घूम लेते हैं पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद चलेंगे आज झूलों पर, वरना पहले हमेशा झूलों पर चले जाते हैं। तो गाइस अभी हम पूरी मार्केट में घूम के आ गए और अब चलते हैं झूलों की तरफ। तो गाइस अभी पहले पार्थ को बिठाया, आज पहली बार पार्थ झूले में बैठा है। ओ पार्थ मजा आ रहे हैं? पार्थ अपना मस्त झूल रहा है, येलो कपड़े येलो गाड़ी। हाँ येलो कपड़े येलो गाड़ी में बैठ गया। डर कितना रहा है वो देखो जरा उसे, बिल्कुल शांत होकर बैठा पड़ा है। चलो उसके पास चलते हैं। पार्थ गाड़ी कैसी लग रही है? क्या हो गया? तो गाइस सबसे पहले हम इस हैमर में जाएंगे, तो भाई मेरा बड़ा मन था इसमें जाने का, मेरे दो तीन साल से मतलब पहले लग रहा था, तो ये काफी टाइम से गायब था, लेकिन इस बार लगा तो इस बार जरूर चलेंगे। पिछली बार जब इसमें गया था तो काफी छोटा था ना मैं, तो मतलब मैं रो पड़ा था, बिल्कुल मेरी बेल्ट ढंग से नहीं लगी थी, लेकिन इस बार ढंग से लगा के बैठेंगे और मजे करेंगे। सबसे पहले इसी में चलते हैं और पार्थ को मम्मी को पकड़ा देते हैं, मम्मी नहीं जाएगी, मम्मी को डर लगता हाथ से आता ही। तो गाइस अभी हम अंदर तो आ गए हैं और अब बैठते हैं और मजे का मजा आएगा काफी। तो अंदर तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, फोन फिर जाएगा, देखता हूँ मैं किधर बैठता हूँ। तो गाइस अभी वहां से तो वापिस आ गया और बड़ा डर लग रहा था यार, बड़ी मुश्किल से झूला। तो अभी इसमें चलते हैं, ये हॉन्टेड हाउस करके है, भूत बंगला, देखते हैं कैसा है। मेरे को तो भाई जोगरों ऐसे लग रहा पूरा, देख के आते चलो फिर। तो गाइस उसमें बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल बकवास हॉन्टेड हाउस था, हॉन्टेड कुछ था ही नहीं। तो अब जाएंगे हमें सामने वाले झूले में, टोरा टोरा नाम है इसका, वो बड़ा सही लगता है यार ये। पहले टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं, ये अभी चलते चलते ऊपर हवा में उड़ जाता पूरा। तो हमने टिकट ले लिया और अंदर भी आ गए, तो पहला वाला राउंड खाली हो रहा है, अब हम बैठेंगे, चलते हैं पहले ऊपर। तो गाइस अब बैठ गए, पापा और कृष्णा आगे और मैं पीछे, मतलब इन लोगों के। तो देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है और काफी हल्ला मच रहा है, मजा आएगा। तो गाइस वहां से बाहर आ गए हैं, अब चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी पार्थ को झूला झुला रही थी,
पता नहीं कहाँ खड़ा है, अभी देखते चल के। तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं अब घर वापस, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई है और मम्मी की कमर में दर्द हो रहा है। तो अब तो मतलब लगा रहेगा काफ़ी दिन तक मेला, तो आते जाते रहेंगे, दो चार दिन में फिर से आ जाएंगे कभी। तो अब चलते जल्दी से घर की तरफ, पार्ट्स के लिए कुछ ले लेते हैं। तो गाइस अभी पार्ट्स के लिए हमने ये लिए हैं, ये पूरे लाल लाल सीन लगा दिए सिर पे। पार्थ देखो तो बड़ा क्यूट लग रहा है। और चलता है इसे लेके घर पे। एक हमने कृष्णा के लिए भी लिया है, कृष्णा अभी लगा नहीं रहा है, घर पे लगाएगा। तो गाइस यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा है, लेकिन ये देखो ये मम्मी बैठी है इधर, इधर पापा बैठे हुए। तो ये दोनों पूरे पूरे चमक रहे हैं, ताकि अब थोड़ा उजाला हो गया यहाँ पे। बाहर से छीन लिया पापा ने, खुद ही लगा लिया, डेंजरस लग रहा है। अब मम्मी तो उससे ज्यादा डेंजरस लग रही है, पूरे नेचुरल लग रहे हैं। हाँ पार्थ बड़ा क्यूट लगता है ना। तो अभी रिक्शा में तो बैठ गए, तो अब चलता है घर। और लगभग मेले से बाहर की तरफ आ गए, तो इसलिए अभी शोर भी नहीं आ रहा बिल्कुल मेले का। चलते हैं फिर, मेन रोड भी आ गई अब, सही है। तो गाइस अभी घर पर तो पहुँच गए, और अब सामान वामान रखते हैं और हाथ पैर धो लेते हैं। पहले काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी ना, तो और कपड़े वपड़े भी चेंज कर लेते हैं, कपड़े उतार के वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, सीधे गंदे हो गए पूरी तरह से। तो सामान रख दिया और अब कपड़े वपड़े उतार लेते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं अच्छे से। तो गाइस फिलहाल सुबह के 9 बजने वाले हैं, और मतलब रात हम मेले से बहुत थक के आए थे, मतलब टी शर्ट उतार के गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे सो गया था, देखो अभी तक कैसे बैठा पड़ा हूँ। तो अब मतलब सुबह बिल्कुल आँख ही नहीं खुली, और लगभग हम 8 बजे के आसपास उठे, और तब तक स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था, मतलब स्कूल जाने का टाइम ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए स्कूल तो नहीं जा पाए और काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। मतलब पिछले कई दिनों से ना ढंग से सोया नहीं था, इसीलिए अब थोड़ा देर तक सो रहा था, अब सही लग रहा है। तो अब इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, एक दो दिन बाद मिलेंगे। अब मिलेंगे आज के डेट हो गई यार 13 तारीख को आएगी अगली वीडियो, तब देखना। और आज कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आज पूरा मतलब थोड़ा आराम करूंगा। और आज मतलब हमारा प्लान है कि हम सुबह जल्दी घर का काम निपटा लेते हैं, मम्मी के साथ मिलकर करवाएंगे, तो मम्मी के दर्द भी नहीं होगा, मम्मी आराम भी कर लेंगी, उसके सही रहेगा। मतलब वैसे फिर मम्मी को सारा काम छोड़ देते ना, फिर मम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए सब मिलके कराएंगे। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और देखते रहो हमारी वीडियोस, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगी। और बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।